अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको नज़र आ रही होगी, करेले की रेसिपी है और बहुत मज़ेदार सिंपल से बनने वाली रेसिपी है। और ये सब्ज़ी जो है होती तो कड़वी है, लेकिन हम जिस तरीके से आज बनाएंगे तो वो उसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। उसके लिए हमने जो है ये तकरीबन जो है आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं, 3 पाव के करीब ही हमने करेले लिए हैं, 4 हमने प्याज़े लिए हैं और ये हमने टमाटर लिए हैं, 4 5 से 6 5 से 6 अदद या इतने आप ले लीजिए अंदाजन। और ये बाकी मैंने इसमें तकरीबन ये है 10 15 हरी मिर्चें ली हैं। अगर तेज़ है तो इसको कम कर लें आप, अगर आपकी तेज़ नहीं है तो फिर आप इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बाकी चीज़ें हम जैसे जैसे डालते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। इन सबको हम कट कर लेते हैं और इसको हम छील के इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने करेले जो है इस पे नमक लगाया था, उसको आधे घंटे छोड़ दिया था, इसमें पानी निकला, इसको अच्छी तरह निचोड़ के मैंने जो है इसको साफ़ पानी से वॉश कर लिया और इसका कड़वा पानी नमक के साथ निकल गया। और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से कटिंग कर ली है। यहाँ मैंने जो है ऑयल लिया है, ऑयल तकरीबन मैंने 1 प्याली लिया है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अब मैं सबसे पहले जो है करेले जो है जो मैंने काट के रखे हैं वो मैं इसमें डालूंगी और इसको हल्की आंच पे फ्राई करूंगी। ये मैंने सब एक साथ ही डाल दी हैं और इसको मैं फ्राई करूंगी, अभी ये तेल साथ साथ गर्म हो जाए और उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने जो है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको हमने लाइट ब्राउन सा कर लिया है और ये फ्राई होने, बस हम इसको यहाँ निकाल लेंगे, बस हमें इतने ही फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे हमने जो ऑयल था हमारा थोड़ा हमें ज़्यादा लग रहा था, थोड़ा सा कम किया है और हम अब इसमें ये हमने प्याज जो है नॉर्मल सी काट ली है बिल्कुल रफली और इसको अब हम इसमें डाल देंगे। यह हमने सारी जो है वो प्याज, 4 प्याज जो हमने नॉर्मल सी काट ली थी वो हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको हल्की आंच पर रख देंगे और देखें ये बहुत लाइट से हमने आँच रखी है, इसकी बहुत तेज़ आँच नहीं है और इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे बिल्कुल। ये हमने बस सॉफ्ट करनी है प्याज। ये देखिए व्यूअर्स, ये तकरीबन जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, जैसे हमें चाहिए थी वैसी हमारी हो गई है। हमें इसको ब्राउन नहीं करना था, हमें ऐसे ही रखनी थी। अब यहाँ पर अब हम मसाले डालेंगे सारे और अपनी रेसिपी जल्दी से बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमने जो है ये 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम साथ साथ बाकी सारी चीज़ें भी डालते जाएंगी। यहाँ हमने जो ये 4 से 5 टमाटर लिए थे उसको हमने रफली चॉप कर लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डालना है, हल्दी हमने लेनी है, हल्दी जो है वो भी हमने 1/2 टीस्पून के करीब लेनी है, वो भी इसमें डाल देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। यहाँ मैं जो है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब डाल देंगे। बस अब हम ये सारे जो मसाले हैं इनको मिक्स करेंगे।
और अब हम यहाँ पर बस हरी मिर्ची हमने काटनी थी 8 से 10 अदर इस तरीके से, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए और हल्की आंच कर देंगे। ये देखेंगे बस ये हमारे जो है मसाला और टमाटर सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बस अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको भूनेंगे, बस ये तकरीबन भून ही चुका है। बस हम यहाँ पर सारे इसके जो हमने करेले फ्राई किए थे हम इसको डाल देंगे। और ये हमारे प्याज और करेले का सालन रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार से बनता है, इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। बस हम इसको जो है डिश आउट करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये हमने डिश आउट कर दिया है और बहुत मज़े का हमारा करेले और प्याज का सालन रेडी है। इसको आप इस तरीके से सर्व करें लेमन के साथ और चाहे तो इसमें कैरी भी आप डाल सकते हैं। और मेरी डिश अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।